हेलो फ्रेंड्स, न्यू मिलियन एक्वेरियम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल रफीक, आज आपको मैं फिश का जो भी हमारे पास में स्टॉक आया है आज उसी फिश के स्टॉक के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर टोटली इन्फॉर्मेशन के साथ में इस फिश के साथ में लेके आए हैं। कितने टाइप की फिश है हमारे पास में आज, कम से कम 25 से 30 टाइप के अलग अलग फिशेज का माल आया है। उस फिश के बारे में मैं आज को आपको पूरी कौन सी फिश है, किस मछलियों के साथ में रहेंगी और किन रेट में आएंगे, वो फिश का वीडियो टोटली आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज आप है तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस मेरे चैनल को न्यू मिलियन एक्वेरियम चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। देखते हैं कौन सी है। तो यहाँ हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास सकर फिश का भी स्टॉक अवेलेबल है। बढ़िया सकर फिश है दोस्तों और बिग साइज की फिशेस है। 100 रुपीज स्पेयर्स के अंदर ये सकर फिश है और हमें हर टैंक में रखना जरूरी होता है क्योंकि हमारे सकर फिश होते हैं, हमारे कांच को क्लीनिंग करते हैं, साफ करते हैं और उसके साथ में जो भी फिश टैंक की गंदगी होती है हमारे सकर फिश है तो उसको खा लेते हैं। तो इस फिश को क्लीनर बोल के, सफाई वाली फिश बोल के हमें हर टाइम में दो दो फिश रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम अभी हमारी मोली फिश के बाद में हम देख लिए हमारे पास में और अगली फिश का स्टॉक कौन सा है। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास में रोजी बार का बहुत ही अच्छा प्यारा स्टॉक है और स्ट्रांग फिश है, अच्छी फिश है। देखिए बहुत प्यारी फिश है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, रोजी बार में कलर भी बड़ा प्यारा होता है, इसके अंदर शाइनिंग बहुत होती है और रेड शेड में लाइटेड रेड शेड होता है जिसके अंदर शाइनिंग बहुत आती है, चमकीली फिश है। और इसका भी प्राइस हमारे पास में एकदम रिजनेबल रखा है इसका 55 रुपीज के अंदर पेयर्स है इसके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ग्रीन टेरर भी फिश अवेलेबल है। देखिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है पर ये ग्रीन टेरर का अच्छा लुक होता है, अरवाना नहीं बोली, फ्लोरन जैसा लुक होता है इसका। ग्रीन टेरर फिश एक वाइल्ड फिश में होती है, दूसरे हमारे गोल्ड फिश के साथ इसको नहीं रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देख सकते हैं कि हमारे पास में पर ये एक फिश है, तो ये फिश है तो हमने इसके गोल्ड में भी रखा है तो रह रही है, इसका मतलब है तो ये हमारी फिश है तो बाकी सब मछलियों में रख सकते हैं। पर ग्रीन टेरर फिश ज़्यादातर गोल्ड फिश के अंदर ना रखे, चिकलेट्स के टाइप्स में होती है ये। और हम देख रहे हैं कि हमारे पास में गोल्ड फिश का स्टॉक भी अच्छे से अवेलेबल है और गोल्ड फिश के अंदर भी सुनहरे कलर है, बहुत अच्छे अच्छे कलर है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमें व्हाइट कलर्स में भी हमारे पास में गोल्ड फिश अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, इस फिश के अंदर भी प्राइस बहुत कम है हमारे पास में, 30 रुपीज़ के पेयर्स है, स्मॉल साइज़ में है। अगर 20 साइज़ में होते हैं तो 100 रुपीज़ के पेयर्स है और उससे बड़ा साइज़ देखते हैं हम तो हमारे पास में एक 100 रुपीज़ पीस के अंदर अवेलेबल है। और हम देखते हैं यहाँ हमारे पास में किसिंग फिश का स्टॉक बहुत ही प्यारा है और ख़ूबसूरत फिश है ये भी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस किसिंग फिश विदाउट ऑक्सीजन रख सकते हैं हम और अच्छी फिश है ये। और इन फिश के रेट हमारे पास में रिजनेबल एकदम, 80 रुपीज़ पेयर्स के अंदर ये फिश है और बड़े साइज अगर लेते हैं हम तो 200 रुपीज़ के पेयर्स के अंदर भी ये फिश हमारे पास में दोनों साइज में अवेलेबल है। दोस्तों इसके बारे में ख़ास बात बताना चाहूँगा कि ये जो फिश होते हैं बाकी दूसरे फिशेस से ज़्यादा एक दूसरे के ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास में टिनफिल बार भी यहाँ पे रेडी है, बिग साइज की होती है और बिना ऑक्सीजन में रख सकते हैं इसको, बहुत मजबूत रफ एंड टफ, जिसकी कॉस्ट है तो यहाँ पे 60 रुपीज पेयर्स के अंदर हमारे पास में ये अवेलेबल है, जिसके अंदर एक कलर होता है ब्लू और दूसरा होता है पिंक शेड होता है। तो चलिए अब इन फिश के बारे में इस फिश के बाद हम दूसरी अगली फिश देखते हैं। मॉली फिश, यह है मॉली, जो पहले हमने देखा है बलून मॉली है, ये मॉली है। इसका भी प्राइस सेम है हमारे पास 45 रुपीज़ पेयर्स के अंदर, अच्छा फिश है ये और भी बच्चे ब्रीडिंग होने के लिए रेडी है, बड़े साइज की फिश है ये। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा आज
हमारे पास से जो फिश का स्टॉक आया है, कौन कौन सा फिश आया है ये देख लिया, और इस फिश के बारे में क्या केयर करना है इसके मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने दिखाया है, फिश क्यों मरती, पानी कौन सा यूज करना है, मेडिसिन कितनी नहीं यूज करना है, हीटर कब यूज करना है, फूड कौन सा देंगे तो मछली हमारी स्ट्रांग रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो मेरे और भी वीडियो बहुत सारे हैं, उस वीडियो में भी देखिए, और अगले वीडियो में मैं भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए वीडियो लेके आऊंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं, ओके बाय।